अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ वो है एड़ियों का फट जाना। ये ज़्यादातर सर्दियों में होता है। इसके लिए जो मैं दवा तजवीज़ करता हूँ वो पेट्रोलियम 200 ताकत में सुबह शाम देता हूँ। इसके अलावा पेट्रोलियम 30 ताकत में वैजलीन में मिलाकर लगाने के लिए दे देता हूँ। वैजलीन की एक छोटी डब्बी लें और उसमें 15 से 20 कतरे पेट्रोलियम 30 ताकत में वो शामिल कर लें और अच्छी तरह मिला लें और उसे सुबह शाम लगाएँ। इससे भी ये मर्ज ठीक हो जाता है। इसके साथ ही मैं एंटमक्रोड और लाइकोपोडियम भी मरीज़ की अलामत के मुताबिक तजवीज़ कर देता हूँ, जो 200 ताकत में सुबह शाम खाने के लिए दे देता हूँ। उससे भी मरीज़ काफ़ी हद तक रिलीफ महसूस करते हैं और मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं। इसके साथ एक मेलेंडेरियम दवा है जो दामन शिफा किताब में लिखी गई है, उसको भी मैंने आजमाया है, जो सर्दियों और गर्मियों दोनों में पाँव की एड़ियाँ फटी रहें तो वो ठीक हो जाते हैं। और साथ ही लाइकोपोडियम और एंटमक्रोड ये दोनों अलग-अलग या कम्बिनेशन बना के दे देता हूँ, उससे भी मरीज़ काफ़ी हद तक रिलीफ महसूस करते हैं। और साथ लगाने के लिए वही वैजलीन और पेट्रोलियम 30 ताकत वाला जो कम्बिनेशन बना लेते हैं, मरहम बना लेते हैं, उसी को इस्तेमाल कराता हूँ, उससे मरीज़ काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए कि आप मेरे चैनल होम्यो डॉक्टर जाफर हसन जाफरी को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।